हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मसालेदार काबुली चना की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। तो चलिए, आज का रेसिपी को आप लोग फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज का रेसिपी अगर आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह सा न्यू रेसिपी का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रात भर भिगा के रखी थी, ये देखिए काबुली चना अच्छे से फूल चुका है, और इसको अच्छे से मैं धो के अभी कुकर में 2 से 3 सीटी मीडियम आंच में सीटी लगाऊंगी। और उसके साथ देखिए यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मैं जब भी मटर, चना, छोले इस तरह से बॉईल करती हूँ ना, मैं हल्दी पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, ताकि इसमें बहुत अच्छे से कलर भी आ जाता है। तो आंच को मीडियम करते हुए इसमें 3 सीटी लगाएंगे, उससे हमारा जो काबुली चना है बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और उसके जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। तो एक कढ़ाई को गरम कर दी हूँ, उसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल ऐड कर दी, और यहाँ पे देखिए एक बड़ी साइज का प्याज, थोड़ा सा अदरक और लहसुन, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम लोग गोटा जीरा। तो इसका एक मसाला रेडी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ को अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच देखिए यहाँ पे गोटा जीरा मैं ऐड कर दे रही हूँ। आपके पास अगर टमाटर है तो उसको भी बारीक काट के इस तरह से भून सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जब आप चना का मसाला बनाएंगे उसमें बहुत अच्छे से थिक थिक ग्रेवी आएगा। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं, देखिए जलाएंगे नहीं, इस तरह से उसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करेंगे। सारे चीज़ को मैं अभी ग्राइंडर जार में निकाल दे रही हूँ, और ये ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो काबुली चना है वो भी बहुत अच्छा से बॉईल हो चुका है, ये देखिए एकदम बहुत नरम हो गया है सुंदर सा। और आपको मसाला भी पीस के मैं दिखा रही हूँ, मसाला भी मैं पीस चुकी हूँ, ये देखिए। इस तरह से आप लोग भी कभी बनाइएगा ना, इस तरह से बनाने से जो काबुली चना का टेस्ट बहुत अलग होता है। तो उसी कढ़ाई में ही मैं दोबारा से 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर दी हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं कलर होने के लिए मिर्चा पाउडर ऐड कर दी हूँ। उसके बाद तुरंत ही जो पिसी हुई मसाला है, हम लोग जो फ्राई करके पिसे थे मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा, उसको मैं ऐड कर दी हूँ। इस तरह सा गर्म ऑयल में मिर्चा पाउडर डालने से बहुत अच्छे से लाल लाल कलर आता है बिना टमाटर के। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और मसाला को बहुत अच्छे से कस लेंगे। तो आंच को मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो हमारा सारे मसाला जल जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा ठीक लग रहा था इसमें पानी 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें ड्राई हो गया है। मैं बहुत ही कम तल में बना रही हूँ, ज़्यादा तेल मसाला नहीं है, ये बहुत ही कम मसाला है और बहुत ही कम तेल में, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, और देखिए मसाला बहुत अच्छे से कस गया है। अभी जो बॉईल करके रखे थे काबुली चना उसको ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से अभी मिक्स कर दे रही हूँ सारे काबुली चना को मसाला के साथ। तो और थोड़ा सा मैं ग्रेवी रखूँगी, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास जैसे। तो देखिए अभी 1/2 ग्लास जैसे मैं पानी ऐड कर दी हूँ, और ये जो ग्रेवी मतलब ये जो झोल बन गया ना, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ। इसको नॉर्मल वाटर से इस तरह सा मिक्स कर लेंगे। जब हमारा काबुली चना बॉईल होगा ना, उसी टाइम ही ये जो बैटर है इसको ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा ना, हमारा जो काबुली चना का ग्रेवी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, नहीं तो इस तरह पानी पानी रह जाएगा। तो अभी देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अभी इस तरह सा धीरे धीरे सबको ऐड कर दी हूँ मैं, और इस तरह सा थोड़ा सा करछी से चला लेंगे, और 2-3 मिनट इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे बॉईल होने से, और थोड़ा सा ग्रेवी थिक हो जाएगा। ऊपर से अभी लास्ट में ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, और देखिए हमारा मसाला काबुली चना रेडी हो गया है।
ये अभी इस तरह सा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पतला झोल, लेकिन ये थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा ना ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। अभी बनाते हैं पूड़ी। जैसे नॉर्मल हम लोग पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस तरह सा थोड़ा सा नमक और हल्का सा मैं ऑयल दे के मयम की हूँ, और अभी इससे पूड़ी बनाएंगे। तो पूड़ी के साथ ही ये काबुली चना का जो सब्ज़ी है, मसालेदार सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसके साथ ही कम्बिनेशन करके मैं आज बना रही हूँ पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी। इस तरह सा लोई लेंगे, मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ उसमें, ऑयल भी यहाँ पे गर्म करने रख दी हूँ। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आपको जितना बड़ा या छोटा जिस तरह से पसंद है उसी हिसाब से आप पूड़ी बेल सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेली हूँ, मीडियम बेली हूँ, और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी पूड़ी तलते हैं देखिए, और पूड़ी डालने के बाद हल्का सा इस तरह सा प्रेस करेंगे ताकि हमारा पूड़ी जो है बहुत अच्छा से फूल जाएगा। ये देखिए गरम गरम पूड़ी के साथ मसालेदार काबुली चना के सब्ज़ी, बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना के खा सकते हैं। तो इस तरह सा चलिए सारे पूड़ी को मैं छान लेती हूँ, ये देखिए। तो बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आता है ये काबुली चना की सब्ज़ी के साथ ये गरम गरम पूड़ी। संडे हो या मंडे, जब भी मन करता है मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, बच्चे लोग को लंच बॉक्स में भी देती हूँ। आप लोग भी इस तरह सा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए इस तरह सा सारे पूड़ी को छान लेंगे, बहुत अच्छे से हमारा पूड़ी जो है फूल रहा है। तो जब भी आप पूड़ी का आटा गूंथे ना, थोड़ा सा टाइट ही रखिएगा, ज़्यादा गीला मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पूड़ी बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। और मैं ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं कर रही हूँ, इस तरह से प्रेस कर करके साइड में भी कच्चा रह जाता है ना, इसीलिए इस तरह से घुमा घुमा के मैं पूड़ी तलती हूँ। ये देखिए तब जाके सब चारों तरफ ये पूड़ी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए हमारा पूड़ी बन के रेडी हो गया है, गर्मा गर्म पूड़ी। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ काबुली चना का सब्जी, देखिए अभी एकदम ठीक हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले पूड़ी ले लेंगे दो चार, आपको जितना मन उतना ले सकते हैं। और इसमें मैं काबुली चना का मसालेदार सब्जी है इसको मैं सर्व कर रही हूँ। तो देखिए हमारा आज का रेसिपी बनके रेडी हो गया है। आई होप आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने घर में ज़रूर बनाइए, इसको खाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी को कैसे लगा आज का रेसिपी। तो देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पूड़ी भी कितना सॉफ्ट बनी है, और ये देखिए काबुली चना की सब्जी। तो इस तरह से नए नए रेसिपी का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।